हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ प्रतिभा सिंह, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम शिवराज सिंह चिल्ड्रन एकेडमी. स्टूडेंट, आई होप यू आर हैप्पी, फिट एंड सेफ एट योर होम. स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर फ्रॉम योर हनीड्यू बुक एंड द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज अ विजिट टू कैम्ब्रिज. टुडे आई विल टेल द समरी ऑफ द स्टोरी A Visit to Cambridge. I hope you will like it. So let's start. Firstly, I will tell you about author. A Visit to Cambridge is written by Firdaus Kanga. Now I will tell you who is Firdaus Kanga. Firdaus Kanga was born in 1960 in Bombay in Parsi family. He is a writer and actor and lives in London now. Being mentally strong, he was able to adjust to his disability very early in his life. Do you know what is the disability of his? We will discuss about it later. He has written a novel, and the name of the novel is Trying to Grow is written by Firdaus Kanga, and it is a semi autobiographical novel. And also he has written a travel book, and the name of that travel book is Heaven on Wheels, in which he talks about his experiences in the United Kingdom. He has shared his traveling experiences in United Kingdom. So let's start the summary of this chapter. This lesson, A Visit to Cambridge, is the story of a meeting between two extraordinary person. ये story है दो extraordinary persons की meeting की, जो आपस में मिले थे, who are differently एबल, जो कि दोनों जो हैं वो डिफरेंटली एबल्ड हैं, मतलब कहीं ना कहीं से कोई भी काम करने में असक्षम है. अभी देखते हैं क्या बात है उनके साथ. फर्स्ट पर्सन इज स्टीफन हॉकिंस. डू यू नो अबाउट स्टीफन हॉकिंस? स्टीफन हॉकिंस वॉज वन ऑफ द फेमस साइंटिस्ट ऑफ आवर टाइम. वो हमारे टाइम के फेमस, एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट थे. एंड हिज बॉडी वॉज टोटली पैरालाइज्ड. इवन ही कांट टॉक प्रॉपरली. ही कुड टॉक विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर. उनकी जो बॉडी थी वो पूरी तरीके से पैरालाइज थी. इवन वो बात भी नहीं कर सकते थे डायरेक्टली, जैसे कि हम और आप करते हैं. उन्हें कोई भी बात करनी होती थी तो वो कंप्यूटर पे, उनके एक स्विच था जिसे टाइप करके स्क्रीन पर जो शो होता था वो उन्हीं की वो बात होती थी. उनकी मींस उनके बात करने का वही तरीका था. अब हम बात करेंगे फिरदौस कांगा के बारे में. द सेकेंड पर्सन इज फिरदौस कांगा. फिरदौस कांगा वॉज अ राइटर and journalist and actor too from Mumbai, and he has also a problem. Unhe bhi ek problem thi. Firdaus Kanga was born with brittle bones. Wo jab paida hue to unhe ek disease thi jiska naam tha brittle bone, and that tended to break easily
व्हेन ही वॉज अ चाइल्ड, और जब वो बच्चे थे तो उसकी वजह से उनकी जो हड्डियाँ थीं वो अचानक से, कई हड्डियाँ एक साथ टूट सकती थीं, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर इस बीमारी में हड्डियाँ बहुत कमज़ोर होती हैं. सो ही टू मूव्स अराउंड इन अ व्हील चेयर, इस वजह से वो भी व्हील चेयर पर ही कहीं पे भी आते जाते थे. तो व्हाट इज़ द सिमिलैरिटी इन फिरदौस कांगा एंड स्टीफन हॉकिंस, दैट दे कैनॉट वॉक प्रॉपरली ऑन देयर फीट, वो अपने पैरों पे प्रॉपरली नहीं चल सकते थे, दे हैव टू मूव अराउंड ऑन व्हील चेयर. द टू ग्रेट पर्सनैलिटी मीन्स स्टीफन हॉकिंस एंड फिरदौस कांगा डिस्कस हाउ इट फील लाइक लिविंग अ लाइफ बाउंड टू अ व्हील चेयर. वैन दे मीट टुगेदर, ना जब एक दूसरे के साथ मिले तो उन्होंने ये डिस्कस किया कि कैसा लगता है कि जब हम बाउंड होते हैं व्हील चेयर पर घूमने के लिए, एंड हाउ द सो कॉल्ड नॉर्मल पीपल रिएक्टेड ऑन देयर डिसेबिलिटी. और जो ये कह जो अपने आप को नॉर्मल पीपल समझते हैं वो क्या रिएक्ट करते हैं हमारे डिसेबिलिटी पर. फिरदौस कांगा, नाउ वी विल टॉक अबाउट द चैप्टर. फिरदौस कांगा वॉज ऑन अ वॉकिंग टूअर थ्रू कैम्ब्रिज व्हेन द गाइड मेंशन अबाउट स्टीफन हॉकिंस. जो फिरदौस कांगा थे वो कैम्ब्रिज के टूर पर थे, मीन्स वो कैम्ब्रिज आए थे किसी काम से, जिसमें गाइड जानते हैं, गाइड जो कि हमें सारी इंफॉर्मेशन देता है उस प्लेस के बारे में, सारी बातें बताता है. द गाइड मेंशन दैट पुअर मैन अबाउट स्टीफन हॉकिंस. जब वो विज़िट करा रहा था कैम्ब्रिज को, कैम्ब्रिज में, तो वो मेंशन करता है स्टीफन हॉकिंस को एक पुअर इंसान, एक बेचारा इंसान. कांगा हैड क्वाइट फॉरगॉटन दैट द ब्रिलियंट एंड कम्प्लीटली पैरालाइज्ड साइंटिस्ट लिव्ड हियर. कांगा तो बिल्कुल, फिरदौस कांगा तो को तो बिल्कुल ये याद ही नहीं था कि यहाँ पर कैम्ब्रिज के पास ही जो कि एक ब्रिलियंट और कम्प्लीटली पैरालाइज्ड साइंटिस्ट है, इतना महान साइंटिस्ट है जो कि पैरालाइज्ड भी है, वो यहीं रहता है. एंड हिज बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, किसकी बुक है ये, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम इज रिटन वॉज रिटन बाय स्टीफन हॉकिंस, वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट बेस्ट सेलर एवर. उन्हीं की बुक लिखी हुई थी और दुनिया में सबसे ज़्यादा उस समय बिकने वाली बुक थी. कौन सी बुक? अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम. एंड यू हैव टू टेल मी द नेम ऑफ बुक्स रिटन बाय फिरदौस कांगा इन कमेंट बॉक्स. ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ. फिरदौस कांगा वॉन्ट टू मीट स्टीफन हॉकिंस, दैट्स वाई ही रैंग अप अ कॉल एट स्टीफन हॉकिंस होम बाई टेलीफोन बूथ. उन्होंने टेलीफोन बूथ पे जाकर फिरदौस स्टीफन हॉकिंस के घर कॉल की. एंड हिज सेक्रेटरी, हिज असिस्टेंट रिसीव द कॉल एंड ही हैज़ गिवन एन अपॉइंटमेंट फॉर हाफ एन आवर. उसके असिस्टेंट ने कॉल रिसीव की और हाफ एन आवर के लिए अपॉइंटमेंट दी. अब आपको ये भी तो जानना है कि स्टीफन हॉकिंस से आखिर के असिस्टेंट से आखिर फिरदौस कांगा ने क्या कहा जो उन्हें अपॉइंटमेंट मिली. He said that, Firdaus Kanga said that he
came from India on wheelchair and he want to share his experiences with Stephen Hawking. वो इंडिया से आए हैं, व्हीलचेयर पर हैं, मींस डिफरेंटली एबल्ड हैं, और वो उनसे अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करना चाहते हैं. फिर दोस कांगा सेड दैट ही वॉज फ्रॉम इंडिया एंड वॉज टू राइटिंग अबाउट हिज ट्रैवल एक्सपीरियंस इन ब्रिटेन एंड वॉन्ट टू मीट हिम. So that's why Stephen Hawking given him an appointment for half an hour. Firdaus Kanga felt after getting an appointment with Stephen Hawking. Firdaus Kanga felt stronger inside and the prospect of meeting Hawkins and embodiment of strength, courage and brilliance of mind. जो फिरदौस कांगा थे उनको जब अपॉइंटमेंट मिल गई तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए और बहुत ही ज़्यादा उनके अंदर एक्साइटमेंट हो गई. बॉडी में ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ आ गई, बहुत ही स्ट्रेंथ आ गई. आगे बात करते हैं. Now the next day, both are disabled. You know very well this is the story of two extraordinary person. Both are disabled. Dono hi disabled hain. And their bodies were withering. Hawkins had a little switch in his hand. With the help of the switch, he could find the words on computer. If he want to say something with others na, he have a little switch in his hand which is helpful to find out the words for his computer screen. ऐसा था कि ही couldn't टॉक ना, वो बात तो कर नहीं सकते थे डायरेक्टली. दैट्स वाई ही हैव अ लिटिल स्विच. उनका जो व्हील चेयर था, वी कैन से दैट इट वॉज फुल विद पावर, सुपर पावर कंप्यूटर बना रखा था उन्होंने अपने व्हील चेयर को. ही हैव अ लिटिल स्विच इन हिज हैंड. अपने हाथ में उनके एक छोटा सा स्विच था जिसमें कि उन्हें वर्ड फाइंड आउट करने पड़ते थे, जिससे कि उन्हें बात करने में मीन्स शब्दों को ढूंढ कर उसे टाइप कर देते थे, जिससे कि लोगों को पता चल जाता था कि वो क्या कहना चाह रहे हैं. दे टॉक अबाउट हाउ द पीपल पेट्रोनाइज्ड देम एंड द रिएक्शन, हाउ द पीपल सिंपथाइज्ड देम, कि कैसे उन्होंने इस बारे में बात की कि कैसे लोग उनके बारे में बहुत ही ज़्यादा सिंपैथी रखते हैं और कैसे रिएक्ट करते हैं जो कि लोग डिसेबल्ड होते हैं. फिरदौस कांगा कमेंटेड दैट पीपल है ऑफन थॉट दैट डिसेबल्ड पीपल वर अनहैप्पी. तो फिरदौस कांगा को उनसे बात जब शुरू करनी थी तो उन्होंने ये बात की कि जो नॉर्मल पीपल होते हैं वो ये सोचते हैं कि जो डिसेबल्ड पीपल होते हैं वो मोस्टली अनहैप्पी रहते हैं, खुश नहीं रहते हैं. स्टीफन हॉकिंस फाउंड द एटीट्यूड ऑफ पीपल वेरी अम्यूजिंग. तो स्टीफन हॉकिंस ने बोला या टाइप किया कि ये जो लोगों का एटीट्यूड है वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज्ड है, सरप्राइज करने वाला है. When Firdaus Kanga asked him if he got annoyed when people like him disturbing him, तो फिरदौस कांगा ने उनसे ये भी पूछा कि क्या आप नाराज हो जाते हैं उन बातों से कि जब लोग मेरे जैसे लोग आके आपको डिस्टर्ब करते हैं. Hawkins
स्टीफन हॉकिंस रिप्लाइड इन अफर्मेटिव. तो स्टीफन हॉकिंस ने रिप्लाई किया अफर्मेटिव में, मींस हाँ कहा, हाँ मैं डिस्टर्ब होता हूँ. एंड देन ही स्माइल, और तब उनकी फेस ही कॉर्नर से उसे उनको छोटी सी स्माइल भी दिखाई दी. एंड मेकिंग हिम वन ऑफ द ब्यूटिफुल मैन इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू फिरदौस कांगा. और जो वो छोटी सी स्माइल उनके चेहरे पर दिख रही थी अफर्मेटिव, जब उन्होंने कहा कि हाँ लोग मुझे परेशान करते हैं, और हल्का सा जब वो मुस्कुराए, तो फिरदौस कांगा के की अकॉर्डिंग वो दुनिया के सबसे सुंदर इंसान दिख रहे थे. ही ऑल्सो फेल्ट द ग्रेट रिलीफ इन हिज बॉडी ऑल थ्रू. ही कुड नेवर वॉक नॉर स्टैंड. द रिलीफ एट सीइंग द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट एंड हिज फिजिकल कंडीशन. फिरदौस कांगा ये भी कहते हैं कि उनको बहुत रिलीफ फील हो रहा था कि वो ना ही अच्छा है, नहीं चल पा रहे हैं, ना ही खड़े हो पा रहे हैं, और जिस वजह से उनकी उनके लिए बहुत ही आरामदायक है कि वो एक ग्रेट साइंटिस्ट, एक महान साइंटिस्ट को देख पा रहे हैं, उसकी फिजिकल कंडीशन भी देख पा रहे हैं कि कैसे एक नॉर्मल फिजिकल कंडीशन ना होने के बावजूद एक पावरफुल साइंटिस्ट हैं वो. That line give the message that nothing is impossible in the world if you have desire, if you have self confidence. अगर आपके अंदर कुछ करने की चाह है तो आपको बहुत सारी रुकावटें, आपको time तो ले सकती हैं आपके success के लिए, मगर कुछ भी impossible नहीं है world में. ऐसा स्टीफन हॉकिंस को देखकर जरूर ही लगता है. ये सभी के लिए मैसेज है. टॉकिंग अबाउट द डिसेबल्ड, डिसेबिलिटी के बारे में बात करने पर, हॉकिंस फेल्ट दैट, हॉकिंस ने फील किया, स्टीफन हॉकिंस ने फील किया, दे शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन देयर स्ट्रेंथ, कि हमें अपने स्ट्रेंथ पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए एंड नॉट ऑन द ओलंपिक फॉर डिसेबल्ड. और ऐसा नहीं है कि जो ओलंपिक है वो डिसेबल्ड के लिए नहीं है. इट वॉज अ वेस्ट ऑफ टाइम, कि उन्होंने कहा स्टीफन हॉकिंस के अकॉर्डिंग, मीन्स ये जरूरी नहीं है कि सभी के अकॉर्डिंग सही हो, मगर स्टीफन हॉकिंस के अकॉर्डिंग कि वी शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन आवर स्ट्रेंथ, हमें अपने स्ट्रेंथ पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, जो हमारे अंदर शक्ति है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, नहीं ओलंपिक पे, क्योंकि ये टोटली वेस्टेज ऑफ टाइम है. इट इज़ वेस्टेज ऑफ टाइम अकॉर्डिंग टू स्टीफन हॉकिंस, नॉट आई एम सेइंग, मैं नहीं कह रही हूँ, ये स्टीफन हॉकिंस के अकॉर्डिंग था. आफ्टर फिरदौस कांगास हाफ आर वॉज ओवर, इसी बातों को करते हुए फिरदौस कांगा का हाफ आर, आधा घंटा बीत गया. ही आस्क्ड टू टेक हिज लीव, बट हॉकिंस आस्क्ड हिम टू हैव टी विद हिम. फिरदौस कांगा ने उन्हें सी ऑफ करने के लिए कहा कि अब वो उनका आधा घंटा कंप्लीट हो गया है, नाउ ही हैव टू गो, बट हॉकिंस ऑफर्ड हिम टू हैव टी, चाय पीने के लिए उन्हें ऑफर किया. एंड सी हिज गार्डन, ही वॉन्टेड टू विजिट हिज गार्डन विद फिरदौस कांगा. अब वो विजिट करना चाहते थे अपना गार्डन फिरदौस कांगा के साथ, और सारी चीज़ें दिखाना चाहते थे फिरदौस कांगा को अपने गार्डन की. फाइनली एन आर, फाइनली एक घंटा, आधे घंटे की अपॉइंटमेंट है, एक घंटा. लेटर एट वॉज द टाइम टू से गुड बाय, फाइनली एक घंटे बाद टाइम आ ही गया गुड बाय बोलने का. किसको गुड बाय बोलने का? हॉकिंस को, स्टीफन हॉकिंस को, बाय फिरदौस कांगा. फिरदौस कुड
neither kiss him nor cry. फिरदौस ना ही उन्हें किस कर पाए, गुड बाय किस कर पाए और ना ही रो पाए. ही टच्ड हिज शोल्डर एंड व्हील्ड हिम आउट. उन्होंने उनका शोल्डर टच किया, स्टीफन हॉकिंस का शोल्डर टच किया और व्हील्ड हिम आउट, अपने व्हील चेयर की व्हील्स को आगे बढ़ाने लगे घर से बाहर निकलने के लिए. ही वॉज कन्विंस्ड that the brilliant scientist was a symbol of courage. वो इस बात को convinced हो गए थे, मान गए थे इस बात के लिए कि जो ये brilliant scientist है, means Stephen Hawking है, वो symbol है courage का, एक साहस का symbol है. क्यों है साहस का symbol? Because with fully paralyzed body, उनकी बॉडी फुल्ली पैरालाइज थी. ही कांट डू एनीथिंग बाय हिज बॉडी, अपनी बॉडी से वो कुछ भी नहीं कर सकते थे. उसके बाद भी वो दुनिया के ग्रेट साइंटिस्ट में से एक हुए. उन्होंने आइजक न्यूटन का प्लेस लिया. सो दिस इज द मैसेज टू ऑल यूथ, दिस इज द मैसेज टू ऑल द स्टूडेंट, that we can do anything in the world, we can do anything in our future. हम अपने future में कुछ भी कर सकते हैं, but we have to do for our country and for bright future. हमें अपने चमकते हुए future के लिए कुछ करना चाहिए और अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए. I hope आपको ये story अच्छी लगी होगी. If you have any confusion, have any query, so give me the message on my personal WhatsApp number. Thank you and have a nice day.